पापा कुछ रुपया चाहिए, मुझे बिजनेस शुरू करना है, पैसा कमाना है। फटाफट बिजनेस शुरू करता हूँ, फटाफट करोड़पति बनकर ऐश करता हूँ ऐश। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं भी यही चाहता हूँ कि तू कुछ काम कर, तरक्की कर और ऐश कर। ले पकड़, और आज से ही अपना बिजनेस शुरू कर। जा चिंटू जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा। पापा 10 रुपया? अरे 10 रुपया में एक गुटखा का पाउच नहीं मिलता, मैं इतने कम रुपये में बिजनेस कैसे शुरू करूंगा? ये पैसा तुझे कम लग रहा है, है? ला इधर ला, ला मेरा 10 रुपया का नोट, ला। बेटा तेरे दादा की पूरे साल की इनकम यही 10 रुपया हुआ करती थी, और जब मेरी शादी तेरी माँ से हुई थी तब मेरे कंजूस ससुर ने मेरा मतलब मेरे ससुर ने दहेज में यही 10 का नोट मुझे दिया था। अरे खोपड़ी के 2 टुकड़े कर देगी है? मेरा बाप तुमको अब असुर दिखने लगा है, है? दे क्यों नहीं देते मेरी प्यारी बेटी को पैसा? अरे कहां से दूं मैं पैसा, मैं खुद ही नल्ला हूँ। बेटा इस 10 रुपया में कुछ कर सकता है तो कर, नहीं तो चलता बन। तू चोरी का डाका डाल, लेकिन मैं तुझे इससे अलावा 1 रुपया नहीं दे सकता। निकल निकल निकल, अरे निकल। लगता है आज भी तुमसे बदला लेना पड़ेगा। आज भी बदला लेना पड़ेगा है? क्या मतलब है तेरा? अरे बोल बोल बोल, अरे बोल। पापा जी टूथब्रश से तुमने सुबह अपने दांत चमकाए थे, उससे कल रात मैंने अपनी टॉयलेट सीट चमकाई थी। अरे कैसा बेटा पैदा हो गया मेरे घर में। थू थू थू, तभी सुबह से मेरे मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही है। थू थू थू। अरे रूपा, ये मेरा ही बेटा है ना? सोचना पड़ेगा, मुझे इतना याद नहीं। मेरा मतलब है तो किसका बेटा है? तुम्हारा ही तो होगा। मुझे तो लगता है। चल बेटा इनकी मत सुन, चल हम बाजार से सामान लेकर आते हैं, चल। अरे चल। अरे इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं, आखिर मेरे पास भी इज्जत है, शौहरत है। ना तेरे पास इज्जत है, ना तेरे पास शौहरत है, तू एक नंबर का नल्ला है, नल्ला गोबर पोत के। अरे तुमको कैसे पता चला कि मैं नल्ला हूँ? मुझे तो ये भी पता है, तुझसे ज्यादा काम धंधे वाले तेरी गली के कुत्ते हैं, जो कम से कम आने जाने वाले पर भौंकते तो रहते हैं। भौं, 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 भौं। गोबर पोत के। आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। हाँ मैं हूँ अंतर्यामी बाबा गोबर, और ये मेरा चेला है पुदीना। गोबर पोत के। ओम बच्छोहा किलिलिलिलिलिफू। तेरे माथे की लकीरों में साफ साफ लिखा है तेरे पास जल्दी ही कुछ नहीं होगा। मेरे पास कुछ नहीं होगा है? मतलब क्या है तुम्हारा बाबा गोबर? मेरा मतलब है जल्दी ही तेरे पास बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। तू बहुत अमीर हो जाएगा, अमीर गोबर पोत के। लेकिन लेकिन क्या बाबा? लेकिन उसके लिए तुझे अपना 100 रुपया पैसा जेवर लाकर इस सूटकेस में रखना पड़ेगा। ये चमत्कारी सूटकेस है, मैं मंत्र पढ़ूंगा और जैसे ही मंत्र खत्म होगा तेरा 100 रुपया पैसा जेवर बढ़कर 100 गुना हो जाएगा। गोबर पोत के। ओम बच्छोहा किलिलिलिलिलिफू। कहीं फिरकी तो नहीं ले रहे हो बाबा? घोर अपमान। नहीं नहीं, घोर अपमान। गोबर पोत के। ओम बच्छोहा किलिलिलिलिलिफू। बाबा नाराज नहीं, नाराज नहीं, लाओ ये चमत्कारी सूटकेस। 1 मिनट में लाता हूँ अपना रुपया पैसा जेवर। चारों तरफ नजर मार ले पुदीना, क्या क्या हम ले जा सकते हैं गोबर पोत के। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। ओम भट स्वाहा किलिलिलिलिलिफू। लो बाबा 100 रुपया पैसा जेवर इस चमत्कारी सूटकेस में डाल दिया है।
आप मंत्र पढ़कर जल्दी से इसको 100 गुना कर दो बाबा। चल बैठ जा और अपनी आंखें बंद कर ले। बंद कर आंखें। जब तक मैं ना बोलूं अपनी आंखों को मत खोलना। चल बंद कर अपनी आंखें। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। चल पुदीना लग जा काम पर। गोबर पोत के ओम बच्छा किलीलीलीलीलीफू। अब आंखें खोल दूं बाबा। अभी बंद रख, बता दूंगा। अब जरा इस कुर्सी से उठकर खड़े हो जाओ और याद रहे आंखें नहीं खुलनी चाहिए। ओम भट स्वाहा किलीलीलीलीली फू। चलो गोबर, अब हो जाते हैं हम भी छू। अब आंखें खोल दूं बाबा। आंखें बंद करके क्या खड़े हो? ये घर का सामान कहाँ गया है? सामान? साला रुपया पैसा जेवर तो ले ही गया, घर का सामान भी ले गया है? साला पागल बना गया मुझको है? तू लूट गई बर्बाद हो गई रूपा, तू लूट गई बर्बाद हो गई। क्या मैं लूट गई बर्बाद हो गई है? हाँ रूपा हाँ। चिंटू जरा ये दरवाजा बंद करना।